रफीक अरे हाँ, ये मेरी बहुत पुरानी सहेली है फिरदौस। अरे सलाम करना भाई है तेरे। सलाम भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? शहनाज ने बड़ा जिक्र किया आपका। शहनाज अपनी सहेली को बिठाओ और खातर मदारत करो, और सिर्फ चाय पे मटर खाना खिला के भेजना। मैं तो इसको कह रही थी कि अपने मियाँ को भी साथ लेकर आती, भाई रफीक से मुलाकात हो जाती, कोई गपशप लगती। अच्छा वो रानी से बोलो कि चाय का पानी रखे और जो मंगवाना है मंगवा लो, पैसे ले लेना मुझसे। ठीक है, आ जा वहाँ पे बैठते। आ अच्छा जी जी, शहनाज ये तेरा घर वाला है? हाँ हाँ रफीक। ये शुरू से ही ऐसा है? कैसा, क्या मतलब है, मैं समझी नहीं। बेचारा माजूर है ना? अरे नहीं नहीं, उसकी टांग पर तो चोट लगी हुई है, इसलिए इस तरह चल रहा है। उसका इलाज हो रहा है ना, अब ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। और वैसे भी जिस इंसान प्यार करता है ना, उसका कोई ऐब इंसान को दिखाई नहीं देता, महबूब जो होता है वो, और जो महबूब होता है ना वो हमेशा खूबसूरत ही दिखता है। अच्छा वैसे मुझे ऐसा कोई तजर्बा नहीं है ना? अरे ये जोरदार मोहब्बत का तजर्बा है ना फिरदौस, ये किसी किसी के नसीब में होता है। और मैं और रफीक, अरे हम तो बने एक दूसरे के लिए, वो भी इतनी मोहब्बत करता है मुझसे। उसकी मोहब्बत तो समझ में आती है, लेकिन सच बता शहनाज, जब तू आईने के सामने खड़ी होती होगी तो तेरा दिल तो नहीं करता होगा हटने का? तू सच में बड़ी खूबसूरत है, बड़ी खूबसूरत है तू। अरे छोड़ ना, क्या कह रही है? भाभी जी। हाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओ भाई जी, कह रहे हैं कि आपसे पूछ लूं कि क्या बनाना है। ये कौन है शहनाज? ये रफीक की बहन है, छोटी बहन रानी। हाँ ऐसे करो, चाय का पानी रखो, मैं आती हूँ। हाँ। अरे वाह शहनाज, तुझे तो बैठे बैठे मुफ्त की मुलाजमा मिली हुई है। अरे रहने दो, रफीक तो उसकी शादी कराने के चक्कर में। अच्छा तुम बैठो, मैं आती हूँ। चमक रहा है घर भाई। वाह फायदे फायदे इसके तो। हाय छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस। वो रानी कहाँ रह गई है तू? अरे अभी जा, बहुत दर्द हो रहा है टांग में। जी भाई बस आ गई, आ गई। वो लाई है, वरम लाई है तू? जी मेरे हाथ पे, मैं आपको लगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं पीछे हट, खबरदार हाथ मत लगाना, बहुत तकलीफ है, कसम से बहुत सख्त तकलीफ है। अरे लग रहा है कि जान निकले जा रही है। आ मुझे ला ला दे। ये बता के शहनाज किधर है?